बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम अपना प्रैक्टिकल, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। ये जी प्रैक्टिकल है जी, प्रैक्टिकल नंबर थर्टीन। इसमें हमने क्या करना है, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स तैयार करना है। ये एक पाउडर होता है, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स का पाउडर, खुश्क पाउडर, या जिसे हम कहते हैं लतीफ़ सफ़ूफ। तो जब एफरवेसेंट पाउडर की बात करेंगे तो हम उसे कहेंगे फवार सफ़ूफ। तो हमने यहाँ पे देखना है कि प्रिपेयर एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, या उर्दू में सवाल पूछा जा सकता है कि फवार सफ़ूफ की तैयारी का तरीका बयान करें। ये आपका आज का प्रैक्टिकल है। तो हसब ममूल बाकी सारी चीज़ें में सेम होंगी। कैलकुलेशन कहाँ पे यूज़ होगी अभी मैं बताता हूँ। अज्जा इसके ये लिखे हुए हैं, अज्जा, उसके बाद सामान, पैकिंग, तैयारी का सामान, पैकिंग मटेरियल, उसके बाद है जी तैयारी, पैकिंग, लेबलिंग, हदायत, उसके बाद हैं जी पाँच नंबर, छठे नंबर पे एहतियातें, और सातवें नंबर पे इस्तेमाल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले नंबर पर देखते हैं अज्जा फार्मूला। याद रखें कि ये फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, वहाँ से फार्मूला लिखा हुआ है, और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक फार्मूला लिखा हुआ है। इसके चार अज्जा हैं, पहले दूसरे में दोनों में सोडियम सोडियम, तीसरे में तीसरे चौथे में एसिड एसिड। याद रखें ये फ़र्क होता है। तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, और उस एल्कलाइन नेचर को ख़त्म करने के लिए उसके अंदर एसिड डालते हैं, ताकि उसके एल्कलाइन नेचर ख़त्म हो जाए, और थोड़ा सा एसिड डालने से उसका टेस्ट अच्छा डिवेलप हो जाता है। तो ये चार चीज़ें हैं अज्जा के तौर पे। पहले नंबर में हम देखते हैं जी सोडियम सल्फेट 500 मिलीग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट, भाई भाई, भाई भाई नहीं होते, बहन भाई, भाई भाई, भाई भाई कार्बोनेट, याद रखने के लिए कह रहा हूँ। तो भाई नहीं लिखना आप लोगों ने, भाई भाई कार्बोनेट लेके आ जाए, नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई, यानी कि पहला क्या हो गया सोडियम सल्फेट, दूसरा क्या हो गया भाई भाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, दो चीज़ें याद हो गई। तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे डालने हैं दो एसिड, दोनों के अंदर जो मैंडिक टर्टर 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 करता है ना, ऐसे ही टे टे की आवाज़ आनी है। पहले नंबर पे है जी टार टारिक एसिड, और दूसरे में फिर टे आ जाएगी, यानी कि सिट्रिक एसिड। यानी कि चार फार्मूले के अंदर चार अज्जा हैं, चारों आपने याद कर लिए। क्या, सोडियम सल्फेट, भाई भाई से सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर तीसरे नंबर पे एसिड कौन सा, टर 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 करने वाला टार टारिक एसिड, और फिर टे से ही सिट्रिक एसिड। चार चीज़ें याद हो गई। अब आपने तैयार करनी है जी इनकी मकदारें। अच्छा, ये इनकी दी हुई है रेशियो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिलीग्राम। थोड़ी मकदार में यूज़ करना हो तो 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 240 मिलीग्राम, 210 मिलीग्राम। अच्छा, इसको याद करने का कैसा क्या तरीका है, बस याद रखें, हज़ार का नोट था, तो जब उसके उसको हमने वो चेन की शक्ल में हमें मांगा, तो हमें 100-100 के 10 नहीं मिले, बल्कि कौन से मिले, 500-500 के 2, तो 500 दूसरा भी 500। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें हमने ले ली थी, पैसे कम हो गए, तो दूसरा अब 250-250 मिलना चाहिए था, 500-500, 1-500 की जगह पे उसने दिया 250-250 मिलना चाहिए था, लेकिन ये 240 है, यानी कि 10 रुपए का रोला है। 250 इसका हाफ होता है 250, तो 250 में से 10 निकाल दें, कितना आ गया 40, फिर 10 का रोला है, फिर 210, पहले भी 10, पहले 10 निकाला, बाद में 200 में 10 डाला। तो इस तरह से याद रखें कि पहला सोडियम सल्फेट, कौन सा सोडियम सल्फेट, 500 मिलीग्राम, सोडियम भाई भाई से सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी 500 मिलीग्राम, दोनों 500-500 हो गए। तीसरे नंबर पे है जी टर्टर करने वाला टार्टारिक एसिड, ये कितना है जी, 500 का आधा कर लें, 250 बनता है, लेकिन 250 नहीं, 10 निकाल देना है, 240 मिलीग्राम। अच्छा, 240 मिलीग्राम के बाद चौथे नंबर पे है जी सिट्रिक, टे आ रहा है ना, सिट्रिक, ये टेयर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड में अब 250 की बजाय 200 के जहन में रखना है, और 10 डाल देना है, यानी कि 210, 500 500 240 210। ये आपको फार्मूला भी याद हो गया और इसकी मकदारें भी याद हो गई। अगर ज़्यादा मकदार में यूज़ करना हो तो कैलकुलेशन का मतलब है, इसमें इसको हम
ग्रामों में भी चेंज कर सकते हैं। 1000 ग्राम से ज़र्ब देंगे तो ये बन जाएगा जी 500, 1000 से ज़र्ब देंगे मिलीग्राम को तो ये बन जाएगा ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 210 ग्राम, यानी कि ये बन जाएगा जी 500, 500, 1000, 1100, 1200, 1300, 1450, 1450, अगर ग्राम में लेंगे तो 1450 ग्राम, अगर मिलीग्राम में लेंगे तो 1450 मिलीग्राम या 1.450 ग्राम, ठीक है। ये इसकी टोटल मिकदार है। कैलकुलेशन का मतलब है कि थोड़ी मिकदार लेनी है इतनी ले लें, ज़्यादा मिकदार लेनी है दो से ज़र्ब करके ले लें एक रेशियो आ जाएगी, 10 से ज़र्ब करके ले लें तब भी एक रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो ये रेशियो है इसको कायम रखना है, और कैलकुलेशन से हम ज़्यादा मिकदार भी बना सकते हैं कम मिकदार भी बना सकते हैं। नव नेक्स्ट है अज्जा और फार्मूला के बाद सामान, तैयारी का सामान, पैकिंग मटेरियल, तराजू, औजान, बीकर, और यहाँ पे हावन दस्ता, हावन दस्ता हम लेंगे इस पाउडर को ब्रेक करने के लिए, हावन दस्ता, स्टिरर, हिलाने वाली रॉड, सलाख, इसमें डिस्पेंसिंग बॉटल यूज़ नहीं होगी, मैंने रेड कलर में लिख दिया डिस्पेंसिंग जार यूज़ होगा, कागज़, कैंची, गूंद, और यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है वाटर बाथ। वाटर बाथ एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा जिस तरह घरों में माइक्रोवेव ओवन, तो यार आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन, बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन की शक्ल का एक बॉक्स होता है। तो लेकिन फ़र्क क्या होता है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं और उसको गर्म करती हैं। वाटर बाथ का तल्लक होता है बिजली के साथ, उसको हीट देते हैं और उसके अंदर डाला होता है पानी, उस बाथ के अंदर क्या डाला होता है पानी, पानी बोले तो वाटर, तो वो बाथ वो बर्तन जिसमें पानी डाल देंगे और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे उसे कहते हैं वाटर बाथ, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं वेट हीट के लिए। अच्छा, यहाँ तक हमने सामान भी याद कर लिया, अज्जा भी याद कर लिए, तैयारी का सामान, पैकिंग मटेरियल, अब बात करते हैं तैयारी, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। याद रखें पहले तीन को अलहदा से ही कर लें, चौथे को फिर अलहदा से कर लें। कैसे, इसको मैं अलहदा कर रहा हूँ, टारटारिक एसिड के बाद सिट्रिक एसिड को अलहदा ही रखना है, बाकी सब का वज़न कर लेना है, और इसको बीकर में रख के वाटर बाथ में रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए गर्म करेंगे। उसके बाद फिर मोटी बात बता रहा हूँ, फिर तैयारी को लिखते कैसे हैं वो बताता हूँ। अब इसके बाद हम करेंगे जी सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को जी पेस्टल मार्टर में, अगर वो ठोस है तो बारीक सफूफ की शक्ल में तब्दील करेंगे, और उसके बाद 15 मिनट के बाद जब इनको वाटर बाथ से गर्म हालत में निकालेंगे तो फौरन सिट्रिक एसिड को उसके अंदर घुसेड़ देंगे, यानी कि उसके अंदर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और मिलाएंगे 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 मिलाएं, हिलाने वाली रॉड से हिलाते रहेंगे हिलाते रहें, उस वक्त तक हिलाते रहेंगे जब तक सफूफ गीला हो जाए, सफूफ क्या हो जाए गीला हो जाए और ढेरियों की शक्ल में हो जाए। जब ढेरियों की शक्ल में बन जाएगा, ढेले ढेले से ढेरियों की शक्ल में बन जाएगा, फिर हम छलनी नंबर, एक छलनी नंबर होगी, जिस तरह घरों में आटा छलने के लिए छलनी होती है, तो इस छलनी का नंबर है 20 या 40 या इसके दरमियान में कोई, 20 या 40 छलनी नंबर हमारे पास मौजूद होगी, उसमें से गुजारेंगे तो वो दानादार बन जाएगा। क्या बन जाएगा दानादार। तो दानादार बनने के बाद फवार सफूफ कहते ही दानादार सफूफ कहें, तो वो दानादार सफूफ बन जाएगा। फिर वो वेट होगा, पानी होगा ना वेट होगा, तो उसको गीला होगा तो उसको खुश्क करेंगे, खुले बर्तन में क्या करेंगे खुश्क कर लेंगे, और आपका सफूफ तैयार है। इतनी सी बात है, यानी कि इनको गर्म किया वाटर बाथ में रख दिया, पहले तीन को गर्म किया पीस कर आपस में मिक्स किया और कहाँ रख दिया वाटर बाथ में, 15 मिनट तक हीट दी, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट के बाद जब निकाला तो फौरन सिट्रिक एसिड डाल दिया। सिट्रिक एसिड डालने से पहले इसको लतीफ़ सफूफ बनाना है, पेस्टल मॉर्टर से पीस के लतीफ़ सफूफ बना के फिर इसमें मिक्स कर देंगे और हिलाएंगे 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 हत्ता कि क्या बन जाएगा यकसां यकसां तौर पे वो सफूफ गीला होकर ढेरियों की शक्ल में इख्तियार कर लेगा। अब हम इसकी तैयारी को दोबारा देखते हैं कि सिट्रिक एसिड के अलावा तमाम अज्जा का वज़न करने के बाद एक बीकर में डाला, तमाम पहले तीन अज्जा का, फिर क्या है जी बीकर को वाटर बाथ में रखकर 10 से 15 मिनट तक गर्म करें, गर्म कर लिया। अच्छा, फिर कहता अब सिट्रिक एसिड की दोबारा बारी आ गई इसकी, कि इसको हावन दस्ता में पीस कर ब्रेक करेंगे, और पीस कर जब ब्रेक कर लेंगे तो फिर 15 मिनट के बाद बीकर को वाटर बाथ से निकाल कर इसमें फौरन सिट्रिक एसिड डाल देंगे और स्टीरर की मदद से हिलाते, स्टीरर में
हिलाने वाली रॉड से हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे, उस वक्त तक ये अमल जारी रखेंगे जब तक सफूफ हल्का गीला होकर ढेरियों की शक्ल ना इख्तियार कर ले। और अब इन ढेरियों को छलनी नंबर 20 से या छलनी नंबर 40 से गुजारेंगे, इससे दानादार सफूफ हासिल हो जाएगा। अब कहता है कि सफूफ हासिल हो गया लेकिन वो गीला है, तो हासिल शुदा सफूफ को खुले बर्तन में डालकर खुश्क करें, बंद जार वाले मुंह में बंद कर दें और हसबे ज़रूरत इस्तेमाल में लाएं। तैयारी के बाद है जी पैकिंग लेबलिंग और हदायत। पैकिंग लेबलिंग में क्या करेंगे, मुनासिब किस्म का लेबल तैयार करेंगे और उसके ऊपर मरीज़ का नाम लिखेंगे और दवा का नाम, मकदारी खुराक, तैयारी की तारीख, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ये लिख देंगे। उसके बाद है एहतियातें। एहतियातों में क्या करना है कि सफाई का खास ख्याल रखेंगे, इन अज्जा का जो वज़न करेंगे अज्जा का वज़न ठीक से करेंगे, अंदाजे से काम नहीं लेंगे और उसके ऊपर जो लेबल हमने करना है लेबल ज़रूर लगाएं, लेबल लाजमी लगाना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लेबल के ऊपर लाजमी लिखनी है, ये नहीं भूलना मैन्युफैक्चरिंग डेट। उसके बाद हैं जी इस्तेमालात। इस्तेमालात में क्या हुआ जी कि ये एफरवेसेंट ग्रैन्यूल जो हैं जो फवार सफूफ है ये किस लिए यूज़ होता है, सीने की जलन, जब सीने के अंदर जलन हो रही हो तो सीने की जलन में ये यूज़ होता है। उसके बाद देखें मैदे की तेजाबियत में भी इस्तेमाल में लाएं और हाजमे के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और पेट की गैस, पेट के अंदर गैस पैदा हो रही है तो पेट की गैस की शिकायत में भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और अहम बात आप लोगों के लिए ये है कि आप इस वीडियो को एक दफ़ा लिख के लाजमी देखें, ठीक है, वीडियो को देख लिया है तो इस प्रैक्टिकल को एक दफ़ा नोटबुक पे लिख के देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और नए आने वाले स्टूडेंट जो हैं, नए आने वाले दोस्त हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो इसके को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी सुजेशन भी लाजमी दें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, सुजेशन लाजमी दिया करें आप लोग, ठीक है। इसमें आप मज़ीद डिस्कशन भी कर सकते हैं, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी एंड पे दिया होता है और थंबनेल पे भी दिया होता है, तो फ़ोन नंबर से मिला के आप मज़ीद अपनी कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो गई, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।